Yes, all of you, can you hear me? Yes. Yes. हाँ चलो 5.1 स्टार्ट करो करना. नहीं आ रहा है तो बताओ, मुझे टाइम वेस्ट मत करो. So all of you pay attention. नहीं आ रहा है ना सॉल्व करने, ध्यान दो यार. यही मिला बस. नहीं आ रहा है मुझे. ठीक है, जिसको आ रहा है उन लोग को करने दो. I'll wait for more 2 minutes. Yes, Akhilesh. Correct. Yes, Fatima correct है. Akhilesh correct. Yes, all of you pay attention here. It is 2a plus b is giving you c. मैम 0.076 आएगा ना फर्स्ट में. रेट ऑफ रिएक्शन मैम उधर 2c आएगा ना. डी ए अभी देखो मैं सॉल्व कर रही हूँ, अपने अपने आंसर्स चेक कर. मैम वो आपने 2C रॉन्ग लिखा है वो. ठीक है मैम, आपको पता किसी चलता है कि डी लेना है या डेल्टा लेना है? तुम डेल्टा लोगी. डेल्टा यानी एवरेज के लिए है, डी यानी इसके लिए है. तो एवरेज पे नहीं होता है. इंस्टेंटेनियस ना. हाँ इंस्टेंटेनियस के लिए होता है. तो मोस्टली सब जगह पे इंस्टेंटेनियस ही रेट होता है. जहाँ पे बोला रहता है एवरेज रेट, वहीं पे एवरेज निकालना होता है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. व्हाट इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, और क्या दिया है
रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए दिया है, मींस क्या दिया है, डी कंजम्पशन ऑफ ए दिया हुआ है. ओके और तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मेशन ऑफ सी, मींस डी सी बाय डी टी तुम्हें कैलकुलेट करना है. सो यू विल टेक दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन. तो क्या लिखोगे, माइनस हाफ डी ए बाय डी टी दैट इज इक्वल टू प्लस हाफ डी सी बाय डी टी. हाफ ऑफ कैंसल डी ए बाय डी टी that is equal to dc by dt and that is equal to 0.076. okay Fir? yes ma'am. next kya calculate karna hai, what is the consumption of b, means db by dt calculate karna hai. so now what you will do, you will take this and this. so db by dt that is minus half of da by dt और वो कितना है 0.076. okay मैम डिवाइड बाय टू कर देंगे ना इसमें और फिर लास्ट में दोनों का आंसर सेम आ जाएगा. so this is yes ma'am ये भी आया. what is the rate of reaction, तो अभी rate of reaction is what, half ना. Yes, ma'am, half होगा. Same. Reaction is half of dA by dt. So that is half of 0.076. That is 0.038. Okay. This is clear. Yes. Yes. Now take screenshot. This is your homework. Similar question है. नोट डाउन कर लो इसको स्टेप वाइज बराबर से, क्योंकि फिर ये नहीं आएगा तो सेकंड वाला भी नहीं आएगा. लिया, लिख लिया ऑल ऑफ यू? यस मैम. यस मैम. मैम वन मिनट. Done. So all of you, we have done with average rate of reaction and instantaneous rate of reaction theory plus उसके numericals मैंने तुम लोग को करवा दिए हैं. ठीक है, we'll stop here and we'll continue this chapter on Saturday. So homework तुम लोग को मैंने already दे दिया है. ठीक है, उतना करो, GPPI पढ़ो अच्छे से और कुछ होमवर्क नहीं. ओके चलो देन. यस मैम. बाय मैम. बाय मैम. थैंक यू मैम.